कांग्रेस सेवा दल ने आज किसान विरोधी बिल का विरोध करते हुए बिंदुकता शहीद स्मारक पर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। यहां केंद्र के कृषि बिल को किसान विरोधी बिल बताते हुए कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र दुर्गापाल की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिंदुकता शहीद स्मारक पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा किसान बिल वापस लेने की मांग करते हुए बिंदुकता शहीद स्मारक से लेकर हल्दू चौड़ तक पैदल मार्च निकाला। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे देश में किसान आक्रोशित है। विभिन्न राज्यों में किसान सड़क पे उतरे हैं। सभी किसान इस बिल को किसानों के हित में बिल्कुल नहीं मान रहे हैं और मोदी सरकार के इस बिल को उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाला बिल बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा लाए गए 3 अध्यादेश में किसानों को पूंजीपति बनाने की योजना नहीं दिख रही, बल्कि किसानों को चंद पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बनाने की स्पष्ट तैयारी नजर आ रही है। कांग्रेस सेवा दल की जो पूरे देश में किसानों के सम्मान में जो है पदयात्रा और संघर्ष यात्रा जो हमारी चल रही है, उसी के चरण में जो है आज 10 जनवरी हमारा बिंदुकत्ता से हल्दूचौड़ तक का जो है ये संघर्ष यात्रा का कार्यक्रम है। हम कांग्रेस सेवा दल के सभी कार्यकर्ता और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार ने जो बिल लेके काला बिल लेके आए हैं उसमें किसान जो कह रहे हैं कि जो आप मुँह से आप कह रहे हैं कि किसान मंडी ख़त्म नहीं होंगी, MSP जारी रहेगी, तो किसान कह रहे हैं इसको कानून में शामिल करो, वो क्या गलत कह रहे हैं। तो इसलिए हम भी उन किसानों का समर्थन कर रहे हैं कि जो मंडी समाप्त नहीं होगी, MSP जारी रहेगी, इसको आप कानून में क्यों नहीं ला रहे हैं, उसमें कानून में लिखित रूप में आप कर दीजिए, एक नया कानून बना दीजिए जिसमें किसानों की हितों की रक्षा सुनिश्चित हो, ऐसा कानून किसान मांग रहे हैं। इसीलिए हम भी इस कानून उनकी मांग का समर्थन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का यही अपील है कि कृपया हठधर्मिता छोड़ करके किसानों की जायज मांग को मानते हुए, किसानों की गारंटी जो हितों की रक्षा है उसको सुनिश्चित करते हुए कानून में उन बिंदुओं को शामिल करते हुए करें। उसमें कई बिंदु ऐसे हैं, बहुत लंबी बात हो जाती है, जैसे 15 साल पुराना ट्रैक्टर है, पराली जलाने वाला, ये सारे नए बिल में इन्होंने डाले हुए हैं, वो अभी बता नहीं रहे उस चीज़ को, लेकिन जब कानून लगेगा तब जनता को किसानों को पता चलेगा। तो मैं सभी किसान भाइयों से भी निवेदन करता हूँ कि नया कानून बने और जो किसानों की हितों की रक्षा उसमें सुनिश्चित हो, उस कानून के अंदर में वो लिखित रूप से कानून में शामिल किए जाए वो बिंदु। ये किसान आज पूरे देश में आंदोलित है और आज लगभग 35-40 दिन हो गए हैं। हमारे किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ और उस बीच में जो लोग जिनकी शहादत हुई उनके लिए भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं। तो सेवा दल द्वारा आज शहीद स्मारक से एक किसान समर्थन यात्रा किसानों के दुख दर्द को दूर करने के लिए जो यात्रा का एक शुभारंभ किया गया है, मैं इस अवसर पर सभी सेवा दल के कार्यकर्ताओं को, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राजेंद्र दुर्गापाल जी, चेयरमैन साहब रामभाव मिश्रा जी, लालचंद सिंह जी, प्रमोद कौनी जी, हमारे भगवती बिष्ट जी सहित सभी मातृशक्ति युवा शक्ति अपने कांग्रेसजनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मित्रों, आज पूरा देश का किसान आज आंदोलित है, इसलिए है कि जो 3 कृषि कानून पास हुए हैं वह कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। उनको वापस लेने के लिए लगातार हमारे किसान संघर्ष हैं, कई लोगों की जानें चली गई हैं, लेकिन ये सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार, मोदी सरकार के कान में जूं तक नहीं रह रहा है। ये कोई समाधान की बात नहीं कह रहे, कई वार्ताएं हो गई हैं और हमारे किसान नेता लगातार इस बात पर दृढ़ संकल्पित हैं कि 3 कृषि कानून वापस होने चाहिए, तभी इस देश के किसानों की रक्षा हो सकती है। ये झूठा वायदा करके MSP करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। MSP अगर करना है तो उसको कानून का दायरा दिया जाए ताकि लगातार स्थिर रेट किसानों को उनके अनाज के मिले। आज देखिए आप क्या हो रहा है, इन्होंने कहा कितना झूठ बोलते हैं भाजपा के लोग, इन्होंने कहा 72 घंटे में हम गन्ने धान मूल्य का भुगतान कर देंगे। आज 72 दिन होने जा रहे हैं, नवंबर से अब तक किसानों का धान जो विभिन्न क्रय केंद्र पर बिका है उसका भुगतान नहीं हुआ। कितना झूठ बोल करके ये जनता को गुमराह करना चाहते हैं। आज किसान हर तरह से दुखी है और किसान जो हमारा अन्नदाता है, जो किसी प्रधान देश है हमारा अन्नदाता है, अब ये परेशान है। ये कह रहे हैं इनके पास ट्रैक्टर है, इनके पास ट्रॉलियाँ हैं, इनके पास साधन है, तो क्या चाहते हैं किसान झाड़ू लगाए? इतने बेशर्म सरकार है, किसानों की हितों के लिए
ये कोई काम नहीं करना चाहते, किसानों का उत्थान को देखना नहीं चाहती। तो ऐसी सरकार की हम निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि तीनों कृषि कानून जो बनाए हैं उनको समाप्त करें और किसानों की जो जायज़ मांग है उनको मान करके और बातचीत के माध्यम से समाधान करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने किसान भाई को जिन्होंने संकल्प लिया है कि 26 जनवरी को हम मैदान में जाएंगे दिल्ली के और ट्रैक्टर सहित इसका विरोध कर